हाय ऑल, मैं ये वीडियो बना रहा हूँ बेसिकली कुछ एक्स्ट्रा अवेयरनेस के लिए। मुझे पता है आप सब लोग डेफिनेटली केयर कर रहे होंगे, आप सब लोग प्रिकॉशंस ले रहे होंगे, लेकिन आप जब बाहर जाते हैं, लाइक कोई भी एक आदमी घर का बाहर जा रहा है राशन लेने के लिए या फिर दूध सब्जी मंडी है सब बेसिक नीड्स के लिए 4-5 दिन के बाद ऑब्वियसली, तो उस वक्त भी मैं जैसे जा रहा हूँ, अगर मैं जैसे कि आज गया था मैं 4 दिन के बाद, तो मैंने ये प्रिकॉशन आज नए से चालू किया है। मैं डेटॉल का एक बड़ा लाइक अपना स्प्रे रहता है ना, हम पौधों को वगैरह पानी डालते हैं या फिर नाही के पास रहता है वो वाला स्प्रे, तो वो मैंने ऑलमोस्ट वेरी कॉन्सेंट्रेटेड डेटॉल पानी से भर के घर के बाहर रखा हुआ है। तो जब भी मैं जाता हूँ तब भी वो स्प्रे में पूरे बदन पे, इवन माय क्लोथ्स एंड ऑल, बहुत ही स्प्रिंकलिंग टाइप, मतलब ज़्यादा पावरफुल नहीं, वैसा वाला स्प्रे करके हाथ को रब करते हुए हाथों के ऊपर, एंड वही हाथ फिर मैं कपड़ों को भी रब करता हूँ पैरों के ऊपर, एंड फिर जाता हूँ मैं। एंड मेनली आने के बाद, घर में घुसने से पहले आई यूज़ दैट। आई नो बहुत सारे लोग बाहर सैनिटाइजर्स या फिर ऐसी हैंड वॉश या ऐसी चीज़ें रखते होंगे घर में आने से पहले, लेकिन डेटॉल इज़ रियली गुड एट दैट मुझे लगता। तो घर में आने से पहले आई डू दैट प्रॉपरली, उसके बाद मैं लाइक आपको लगता होगा कि मैं बहुत ज़्यादा प्रिकॉशंस ले रहा हूँ, लेकिन जैसे भी मैं जो भी चीज़ें लाता हूँ मैं सीधा बाथरूम में घुस जाता हूँ या फिर बालकनी में जाता हूँ, लेकिन मेनली बाथरूम में घुस जाता हूँ। वहाँ पे मैं प्रॉपरली हर एक चीज़ जो पैक्ड है, जैसे कि अगर दूध का पैकेट है मैं उसे धो लूँगा, उसके बाद मैं वहीं पे रख दूँगा, फिर नहाऊँगा खुद, एंड उसके बाद मैं जाके चीज़ें अरेंज करता हूँ। तो आई एम ट्राइंग टू टेक एज मच एज प्रिकॉशंस एज आई कैन। सो ये चीज़ें अगर आप करेंगे तो अच्छा ही है सबके लिए, आप करते होंगे ही, लेकिन जस्ट एज एडवाइस, या फिर मैं ही नए से कर रहा हूँ क्योंकि मुझे ऐसी कोई चीज़ों की आदत नहीं है पहले से, या फिर नॉर्मल आते ही मैंने कभी ज़िंदगी में पैर भी नहीं धोए हुए घर में, एंड तो अभी ये चीज़। एंड डेटॉल का और एक फ़ायदा यह है कि डेटॉल के ऊपर भी बहुत बार लिखा रहता है दैट इट इज़ अगेंस्ट कोरोना वायरस। एक्चुअली कोरोना तो उसके ऊपर भी लाइक लोग पूछ रहे थे कि कोरोना वायरस आने वाला है, पहले डेटॉल को पता था क्या, या फिर आजकल बहुत सारे क्लिप्स भी घूम रहे हैं कि भाई 2018 में ही एक सीरीज़ निकली थी नेटफ्लिक्स के ऊपर, वहाँ पे कोरोना वायरस के आउटब्रेक के बारे में बताया था, या फिर कोई बुक में लिखा हुआ है कोरोना वायरस। तो कोरोना वायरस इज़ नॉट समथिंग न्यू, कोरोना वायरस मतलब वो फैमिली है, वो वायरस की फैमिली है जो अपने ब्रीदिंग के ऊपर अटैक करती है, ओके। तो उसके लिए बेसिकली वो जो वायरस है उसका नाम कोरोना वायरस है, तो उसमें बहुत सारे अलग अलग टाइप के वायरस है, सो दिस इज़ वन ऑफ देम। सो कोरोना ये नेम बहुत पहले से है, तो इसलिए ये फालतू की चीज़ें आती है ना कि पहले से ही पता था या पहले लोगों को कैसे पता था, ऐसे सीरीज कैसे निकाली, ऐसे बुक्स कैसे निकाले कि आउटब्रेक होने वाला है वगैरह वगैरह। सो दैट्स ऑल, ये तो कुछ और ही चला गया मैं और ही डायरेक्शन में बताते हुए, बट या डेटॉल इज उसके ऊपर, डेटॉल के ऊपर लिखा हुआ है कि डेटॉल इज मतलब रियली गुड फॉर द कोरोना वायरस, वहाँ पीछे एक छोटी जगह पे लिखा रहता है बहुत बार। सो या दैट्स व्हाई आई यूज़ मैक्सिमम डेटॉल, नहाते हुए भी पानी में मैं लाइक उसके ढक्कन रहते हैं वो एक दो ढक्कन डाल देता हूँ पानी में, एंड फिर नहाता हूँ। इवन ये सब चीज़ें धोता हूँ बाहर से लाने के बाद, ये दूध या वाटर बॉटल है या कोल्ड ड्रिंक्स है, वॉट एवर जो पैक्ड आइटम्स है, सीधा पानी में मैं एक बाल्टी भर पानी लेता हूँ, उसमें डेटॉल डालता हूँ एक दो ढक्कन, उसके अंदर पूरे डुबा के चीज़ें वैसे ही फिर मैं पोंछ के रख देता हूँ। सो दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेक केयर। अगर कुछ ज़्यादा ही है आपको लगता होगा कि मैं बहुत ज़्यादा एंग्शियस हूँ, तो ऐसी बात नहीं है, बिकॉज आई जस्ट लाइक टू, ऐसी चीज़ें आने के बाद लाइक प्रिकॉशंस लेना अच्छी बात है। अगर मैं बाहर जा ही नहीं रहा था तो मैं कोई प्रिकॉशन नहीं लेता, लेकिन अगर मुझे जाने की ज़रूरत है, जैसे राशन लाना है या कुछ लाना है, देन आई हैव टू टेक केयर ऑफ दिस थिंग्स। एंड मैं तो अकेला रहता हूँ,
आप तो फैमिली के साथ रहते हैं तो आपको तो ये चीज़ें ज़्यादा फॉलो करनी चाहिए, आपको ये चीज़ों में ज़्यादा केयरफुल रहना चाहिए ताकि आपके साथ कोई भी गंदी चीज़ या कोई भी बुरी चीज़ आपके घर के अंदर ना आए। सो दैट्स ऑल फॉर नाउ। ओके, अपना ख्याल रखिएगा, बाहर मत जाइएगा, जाना है तो अकेले इंसान को जाना है, डबल सीट, चार लोग लेके, दो लोग लेके नहीं जाना है कुछ भी लेने के लिए, क्योंकि आई अंडरस्टैंड कि सबको कुछ ना कुछ लेने की ज़रूरत रहती है, खाने पीने की चीज़ें जो भी है, लेकिन चार दिन की, पाँच दिन की एक साथ लेके आओ। आप दो हर दिन मत उतरो नीचे, लाइक आई एम डूइंग द सेम। मैं चार दिन के बाद, पाँच दिन के बाद ही नीचे उतरता हूँ, क्योंकि मैंने कोशिश की थी दो बार कॉल लगाने के लिए कि मुझे घर पे होम डिलीवरी मिल जाए, लेकिन वो नहीं अरेंज कर पाया, एंड दैट्स व्हाई आई स्ट्रगल्ड अ लॉट। सो इसलिए फिर मैंने नीचे उतरने का फैसला किया, लेकिन वो भी जस्ट मेरे नीचे दुकान है, वहाँ पे जाके मैं खड़ा रहता हूँ, कोई भी अगर इंसान वहाँ पे नहीं है तो मैं सामान खरीदता हूँ और फिर ऊपर चला आता हूँ। कोई भी इंसान के आजू बाजू में लाइक चार फीट, पाँच फीट ऐसे मतलब घूमता भी नहीं हूँ मैं, लाइक किसी के पास नहीं जाता हूँ। सो आई एम ट्राइंग टू टेक केयर फॉर माई सेल्फ एंड फॉर अदर्स एज वेल। सो थैंक यू वेरी मच, अपना ख्याल रखिएगा एंड स्टे सेफ, स्टे इन द होम एंड एन्जॉय योर टाइम विथ योर फैमिली, किड्स, आप अकेले हो तो फुल मूवीज़ देखो, फुल हॉबीज़ डेवलप करो, टाइम पास करो, कुछ तो पढ़ो, बुक्स पढ़ो एंड एन्जॉय योर टाइम, बिकॉज ऐसा टाइम वापस आने वाला नहीं है। या दिस इज टाइम टू टेक प्रिकॉशंस एज वेल एज दिस इज टाइम टू एन्जॉय। या बाय।